ये बेटा ये आपको बता दूं मैं 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री ठीक है पार्ट 1 करा रहा हूं। लास्ट टाइम आपको 10th क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, तो ट्रिग्नोमेट्री को आपको मैं बता दूं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक ठीक। ये आपको लास्ट टाइम भी पढ़ाया गया था परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये सब कुछ पढ़ाई करूंगी, उसे रिपीट भी करके मैं केवल बता रहा हूं कि थीटा अल्फा बीटा गामा जो है एंगल्स हैं वो हम बेस ऑफ एंगल के अकॉर्डिंग लेते हैं ठीक। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था कि साइन कॉस के रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस अगर मैं थीटा के फॉर्म से एंगल ले रहा हूं तो साइन थीटा जो है 12 / कोसेक थीटा के होता है, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले के कॉस जो है सेक के एंड टैन जो है कॉट के, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है 12 / सेक थीटा, टैन थीटा इक्वल टू 12 / कॉट थीटा और कॉट जो है 12 / टैन थीटा के, ऐसे ही सेक थीटा इक्वल टू 12 / कॉस थीटा के, कोसेक थीटा जो है 12 / साइन थीटा के, इन फार्मूले का यूज होना है। दूसरे दो टैन और कॉट के आपने पढ़े होंगे साइन थीटा / कॉस थीटा इन कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा / साइन थीटा, और इसका अकॉर्डिंग आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आपको ये सारा ज्ञान होना चाहिए, सारी नॉलेज होनी चाहिए। आपने आइडेंटिटीज पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टैन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब आप देखेंगे इनका जो यूज होता है हम फार्मूला में कैसे कर सकते हैं, हो सकता है कि हम इस समय हमें कॉस की वैल्यू चाहिए, तो अगर मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए इसी वाले को हम तीन बार में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर मुझे कॉस की वैल्यू साइन फॉर्म में चाहिए तो मैं कॉस की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा यूज करता हूं, तो इसको अकॉर्डिंग और कॉस थीटा की हो सकता है वैल्यू 1 माइनस के अंडर रूट के अंदर चाहिए होगी। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है, साइन स्क्वायर की वैल्यू कॉस के फॉर्म में ले सकते हैं, चाहे तो आप केवल सिंगल साइन थीटा की वैल्यू भी ले सकते हैं अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के कॉस थीटा ठीक है। इसी टाइप से आपकी ये भी तीन पार्ट हो जाएंगे, इसके बजाय आपका sec स्क्वायर थीटा जो है वो 1 + भी tan स्क्वायर थीटा हो सकता है क्लियर। और आपको अगर केवल tan की वैल्यू चाहिए तो आपके पास tan की वैल्यू आ जाएगी, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1, तो ये आपके पास ये दो भी फार्मूले बन जाएंगे। इसके भी ऐसे आपके पास दो फार्मूले बन सकते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ इसके दोनों फार्मूले, तो मान के चलिए cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए आपको cot के फॉर्म में, तो cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 + के cot स्क्वायर थीटा, और अगर cot की वैल्यू चाहिए cosec के फॉर्म में तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये आपके फार्मूले इसी फार्मूलों से बनाए गए हैं इन्हीं आइडेंटिटीज से, और ये आइडेंटिटीज आई कैसे, ये प्रूफ कैसे, इक्वल कैसे हैं ये भी मैं आपको आज बता देता हूं कि ये 1 के इक्वल ही क्यों होती हैं। तो ये आइडेंटिटीज को मैं आपको एक आइडेंटिटीज में आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं, बाकी आइडेंटिटीज आप प्रूफ कर लीजिएगा, परंतु साथ साथ आपको ये सारे फार्मूले रन होने चाहिए दिमाग के अंदर होना चाहिए ठीक है। तो ये आपकी आइडेंटिटीज का यूज कर रहा हूँ, उसके बाद फैक्टरों का यूज करने के लिए हमें करने पड़ेंगे, तो फैक्टर का यूज बार बार बताएंगे, पहले मैं एक आइडेंटिटीज आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि ये 1 के ही इक्वल क्यों होती है। चलिए मैं आपको 1 के इक्वल करके दिखा रहा हूँ, 1 के इक्वल कैसे, लास्ट टाइम आपने एक पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग चला था, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया था आपने जिसमें आपका ये कहलाता था बेस, ये आपका परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ये आपका एंगल ऑफ बेस थीटा, जैसे लैंड कर लिया थीटा के फॉर्म में ही है, तो आप जानते हैं कि साइन थीटा की जो आप वैल्यू लिया करते थे बोलते थे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड कॉस थीटा की वैल्यू आप लिया करते थे, तो कॉस थीटा की वैल्यू आती थी बेस अपॉन हाइपोटेनस, और पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर, तो आप इसका यूज कर रहे हैं, इसकी बोथ साइड है स्क्वायरिंग करते हैं उसको ऐड कर देंगे, हम पहले बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, मैंने यहां पे बोथ साइड स्क्वायरिंग कर ली है स्क्वायर, ऐसे इसको कर रहा हूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट को मैं ऐड कर देता हूं, और मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, एलसीएम ले लिया गया तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर, और पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 1, सो दैट आपकी ये आइडेंटिटी प्रूफ हुई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1।
ऐसे ही आपकी तीनों आइडेंटिटीज को आप प्रूफ कर सकते हो इसका यूज करके, ठीक है। बाकी इसका यूज करके जरूरी नहीं है कि बेस स्क्वायर आए, तो आप बेस स्क्वायर प्रूव कर सकते हो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या आपको परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस के बेस का स्क्वायर, इनका यूज करके आप बाकी आइडेंटिटीज को प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं आगे की न्यूमेरिकल स्क्वायर, तो आपके पास जब 11 के आप ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने जाएंगे तो लास्ट टाइम आपने केवल आइडेंटिटीज का ही यूज करके इसको सॉल्व किया था, अब आइडेंटिटीज का यूज करके केवल बाकी अदर फार्मूले का हमने कोई यूज नहीं किया था, तो एक एक्सरसाइज हम अभी आइडेंटिटीज का यूज करके कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज हमको आइडेंटिटीज का यूज करके आपको केवल हम इन क्वेश्चन को सॉल्व किया, परंतु आइडेंटिटीज का यूज करने के साथ साथ मुझे कुछ एल्जेब्रिक वाले फार्मूला का यूज पड़ा था, जिसमें हमने सबसे पहले मैं उनको ध्यान दे रहा हूँ कि आपने पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम ले सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2ab, ठीक है। तो जब मुझे अगर करियर नहीं मिल रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मैं इसको ले सकता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 2ab, इस टाइप से भी ले सकता हूँ, ठीक है। सेकंड आपने पढ़ा था इसके नेगेटिव फॉर्म, तो ये माइनस था, ये आपका प्लस का था पर ये नेगेटिव था, ठीक है कि नहीं। अगर आपने थर्ड पढ़ा था यानी मान के चलिए आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा था, तो आपने जानते थे कि ए प्लस बी या ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर प्रोडक्ट में, तो आप उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले सकते हैं, पर थर्ड आपका अगर ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन जैसे चेंज कर सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इस टाइप से कई क्वेश्चनों को चेंज करना आप डाल सीखिएगा। फोर्थ आए ए की पावर 6 माइनस बी की पावर, ये पहले क्यू की बात कर रहे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला हो रहा था ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस के 2ab, ठीक है। यहाँ माइनस वाले नहीं, यहाँ माइनस है एंड प्लस ए, जबकि प्लस वाले का फार्मूला हुआ करता था ए क्यू प्लस बी क्यू वाले में ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ए, क्लियर। तो इसके साथ साथ अगर पावर 6 है तो उसे भी बेस किया जा सकता है, इन फार्मूलों का काफी यूज होने वाला है, तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल करा के दिखा रहा हूँ कि इस कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आइडेंटिटीज का यूज के बाद, केवल आइडेंटिटीज का ही यूज करके मैंने आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करा। चलिए मैं आपको बता दूं कि एग्जांपल जैसा कि आपको मैंने आपको बोला कि अब तक केवल आपने ए स्क्वायर पढ़ा था, एक्स की पावर 8a एंड माइनस कॉस की पावर 8a इक्वल है ना, आपको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड सेकंड ब्रैकेट में आपको प्रूफ करना 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, इसको लेके तो LHS ले रहा हूं, LHS भी मैंने साइन की पावर 8a एंड माइनस के कॉस की पावर 8a, अब 8a को कैसे प्रिक कर सकते हैं, मैंने बताया था कि आपको कॉस एक्स स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4a को मैं होल स्क्वायर ले रहा हूँ एंड माइनस कॉस की पावर 4a का होल स्क्वायर ले रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ आपके साथ में शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ाई था कि साइन की पावर 4a एंड प्लस कॉस की पावर 4a एक ब्रैकेट में एंड ऐसी ब्रैकेट में साइन की पावर 4a एंड माइनस कॉस की पावर 4a, अब प्लस वाला तो ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि कोई फार्मूला नहीं है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, परंतु मेरे पास a माइनस बी का भी है, परंतु हमें तो प्रूफ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं कैसे कह सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस के 2ab, ये मैंने आपको अभी बता रहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो जब मुझे कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, तो यहाँ पे इसको देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर एंड प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर
ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर एंड माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्म को तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि मैंने बताया इस फॉर्म में यानी इस कंडीशन का हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए का काम करना साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर एंड माइनस के टू ए बी यानी कि साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक, सेकंड ब्रैकेट को हम इसका तो फार्मूला आप जानते ही हैं कि एक बार माइनस में लिखा तो साइन स्क्वायर ए एंड प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड सेकंड ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए एंड माइनस के कॉस स्क्वायर। ठीक है, आप जानते हैं आइडेंटिटी से मैंने कहा था कि आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा, आइडेंटिटी का यूज करके ये पूरे सवाल बनाए जाएंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, वन, तो वन माइनस के टू साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज, आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या थी, फिर आइडेंटिटी अगेन वन इंटू साइन स्क्वायर ए एंड माइनस के कॉस स्क्वायर, तो आप ये प्रूफ हो गया। आइडेंटिटीज का यूज करके और अलजेब्रा वाले फार्मूलों का यूज करके हमें सॉल्व कराएंगे पूरी एक्सरसाइज को। ठीक है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व कर दिया। अगेन पावर चाहे जितनी भी हो आप उसको फॉर्म में सेट करते हैं, पावर से पावर का मल्टीप्लाई होता है वापस ऐड हो जाएगी, तो जितना भी हो सब होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाए, अगर क्यूबिक की फॉर्म में बन सकती तो क्यूबिक की फॉर्म में बनाए, क्योंकि ये डिविजन बाय 2 था इसलिए मैं डिविजन बाय 2 वाली बनवा रहा हूं स्क्वायर वाली, अगर ये 9 होता तो मैं क्यूबिक वाले बनाता यानी sin 2 का a एंड होल क्यूब, तो होल क्यूब वाले फार्मूले का यूज करता। तो सारे मैं आपको एक नोट्स प्रोवाइड करा चुका हूं जितने भी अलजेब्रा वाले वो एक मैं उसमें ले चुका हूं, सारे अलजेब्रा के जितने भी फार्मूले हैं उनका यूज करिए क्वेश्चन को करिए। एक आध क्वेश्चन और करा देता हूं आइडेंटिटी का प्रूफ करके मैं देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरा पढ़ा हुआ है।